विशेष न्यायाधीश गुना ने पीड़िता को बहला फुसला कर ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी अनिल शर्मा को 363, 366, 368 भादवी में वर्ष एक, 376 तीन भादवी में 20 वर्ष, 376 दो एन भादवी एवं 5L6 5 को एक्ट और 506 भादवी में 6 माह का सश्रम कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अपराध कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपीगण ओमकार शर्मा और उमाबाई शर्मा को धारा 368 212 भादवी में 1-1 वर्ष, 376 तीन सहपठित धारा 109 भादवी में 20 वर्ष, 376 दो एन सहपठित धारा 109 भादवी पॉस्को एक्ट 19 में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया और उक्त आरोपियों को दी गई सभी सजाएं साथ साथ भुगताई जाएंगी। उक्त प्रकरण में इंद्रप्रकाश मिश्रा उप संचालक के मार्गदर्शन में पैरवी ममता दीक्षित एडीपीओ गुना द्वारा की गई, सहायक मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मयंक भारद्वाज ने बताया कि 27 दिसंबर 2020 को पीड़िता के चाचा ने पीड़ित के गुम होने पर आरोपी अनिल पर शक होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर से फरियादी और साक्षीगण के कथन लिए गए और घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी अनिल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई और पीड़िता का न्यायालय में कथन कराया गया और पीड़िता के कथनों के आधार पर धारा 366, 376, 2 एन, 368, 506, 120 भी भादस एवं 5/6 पॉस्को एक्ट का इजाफा किया गया और ओमकार एवं उमाबाई उक्त अपराध में शामिल पाए जाने से उन्हें गिरफ्तार किया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा पीड़ित बालिका के कथन व अन्य साक्षीगण के कथन और डीएनए रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी के अपराध को साबित किया। विशेष न्यायाधीश गुना द्वारा विचारण उपरांत बलात्कार करने पर आरोपी अनिल को और अपराध के लिए दुष्प्रेरित करने पर आरोपी ओमकार और उमाबाई को 20-20 वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया।